फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न ऑर्डर प्रोसेसिंग के बेस पे। जो हमने लास्ट टाइम की थी उसमें हमने अमाउंट्स के बेस पे उसे किया था कि जब आप गुड्स पार्टी को रिटर्न करते हैं या फिर पार्टी आपको रिटर्न करती है तो वो आफ्टर बिल या आफ्टर अमाउंट उसका रिटर्न की एंट्री होती है। इसमें क्या है, हम बिल के बेस पे नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटीज के बेस पे करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट। तो आज मैं आपको सबसे पहले परचेज रिटर्न यानी कि रिजेक्शन आउट सिखाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको रिजेक्शन इन सिखाऊंगी। एक कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसमें अभी तक हम लोग काम करते आ रहे हैं, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 034। ये इस कंपनी में हमारा काम चल रहा है। तो फीचर हमारे ऑलरेडी यस हैं F11 F2 में, ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले सारे यस होने चाहिए। जीरो वैल्यू ऑर्डर सेल ऑर्डर, देन यहाँ से डिलीवरी और शिप नोट यस था। उसके बाद एक फीचर और आपने यस करना है विच इज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इसको आपने यस किया रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और ये किस लिए यूज होता है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए, और इसको आप कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अभी हम लोग आते हैं रिजेक्शन आउट यानी परचेज रिटर्न। अब उसके लिए पहले आप पार्टी को ऑर्डर देंगे, ऑल्ट एफ 4, यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर्स, देन प्रेस ऑल्ट एफ 4 परचेज ऑर्डर। इस बार हम अक्टूबर की सारी एंट्रीज कर लेते हैं। पार्टी नेम इस बार नया बना लेते हैं, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स सेव कर देंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल ए, ऑर्डर नंबर LORD01। यहाँ पे आपने लेना है परचेस और स्टॉक आइटम चेक कर लेते हैं हम किसमें डील कर रहे थे। मैं अभी एक ले लेती हूँ, दिस वन कॉटन क्लॉथ 250 मीटर्स पड़े हैं हमारे पास, प्रेस एंटर गोडाउन। कोई भी की इधर से प्रेस करेंगे अपने आप बता देगा किस गोडाउन में स्टॉक है। पंजाब गोडाउन में 250 मीटर्स पड़ा है, और कितने का हमने ऑर्डर दिया, सपोज 50 मीटर्स का और ऑर्डर दे दिया। अब जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था इसमें रेट नहीं आते, यहाँ पे आप जीरो प्रेस करेंगे या फिर स्पेस बार एंड सेव। तो इतना 50 मीटर्स का हमने पार्टी को ऑर्डर दिया। अब यही वाली आइटम हमने रिसीव भी करनी है, प्रेस ऑल्ट एफ 9 रिसीप्ट नोट LREC01 पार्टी नेम। अब यहां से आपने लिस्ट में से ऑर्डर नंबर उठाना है LORD01 और इसको सेव कर देंगे। परचेस ऑटोमेटिक इसने उठा लिया स्टॉक आइटम और 50 मीटर्स हमने रिसीव कर लिए। अब यहाँ पे आके आप रुकेंगे तो, क्योंकि हमने अभी गुड्स रिटर्न करनी है। सपोज अभी पार्टी ने हमें बिल नहीं सेंड किया, यानी कि हम फाइनल परचेज की एंट्री ना पास करते हुए एक रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, तो हमने 50 मीटर्स में से 25 मीटर उस पार्टी को वापिस करना है। तो रिजेक्शन आउट ऑल्ट एफ 6 प्रेस करेंगे रिजेक्शन आउट के लिए। आपको याद होगा जो लास्ट हमने परचेज की थी F9 डायरेक्ट परचेज की थी, और फिर हमने पार्टी को रिटर्न किया था जिसमें हमने डेबिट नोट किया यूज किया था, जो किससे आया था, कंट्रोल F9 से। इस बार अभी पार्टी ने हमें बिल नहीं सेंड किया, सिर्फ क्वांटिटीज का लेन देन हुआ है। तो अभी हम क्वांटिटी की ही बात करेंगे कि स्टॉक उसे हम वापिस करके दे रहे हैं। तो रिजेक्शन आउट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्वांटिटीज, और इधर से एल प्रेस किया पार्टी आइटम, इधर से कॉटन क्लॉथ लिया। अब आप देख सकते हैं पहले हमारे पास कितना था, 250 मीटर्स, 50 मीटर्स हमने रिसीव कर लिया, रिसीविंग के एंट्री पास करके ये हो गया 300 मीटर। अब यहाँ से हमने इसको रिटर्न भी तो करना है, इसको आप बड़े ध्यान से एंट्री करेंगे रिजेक्शन की, प्रेस एंटर, और यहाँ से आपने ये रिसिप्ट नंबर लेना है क्योंकि इसके बेस पे तो हमने रिसीव किया था 50 मीटर्स, प्रेस एंटर, और हमने कितना रिटर्न करना है उस 50 में से,
ध्यान रहे जब आप ये ट्रैकिंग नंबर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किसका, ट्रैकिंग नंबर्स का। लास्ट टाइम जब हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग किया था तो ट्रैकिंग नंबर्स को स्किप करके आगे चले गए थे। तो इसी तरह से टैली के जितने भी फीचर्स हैं, वन बाय वन जितने भी रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंट इसमें रहेंगे फीचर्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट जितनी भी क्लासेस रही थी इन्वेंट्री टर्म्स से रिलेटेड, हम इन चीज़ों को स्किप करते गए थे। तो जब हमारी रिटर्न की बात आती है, जिनमें हम उस ट्रैकिंग नंबर को यूज करेंगे, जिसमें वो क्या करेगा, उन रिसिप्ट नोट के रेफरेंसेस को ऑटोमेटिक उठाएगा, यानी कि इस रेफरेंस के बेस पे इट विल ट्रैक दैट आइटम्स एंड ऑटोमेटिकली इट विल डिसअपीयर इन दिस वाउचर। सिलेक्ट आउट ऑफ दिस 50 मीटर्स यू विल रिटर्न 25 मीटर्स विदाउट एनी रेट एंड सेव। यू कैन सी रिजेक्शन आउट में हमने क्या किया है, सिर्फ 25 मीटर्स की उसको रिटर्न की है पार्टी को विदाउट कंसीडरिंग एनी अमाउंट सेव। अब क्या किया, पार्टी ने हमें बिल सेंड कर दिया। बिल पार्टी ने जब हमें सेंड किया तो उस वो हमारे लिए क्या हुआ, परचेज। प्रेस F9, परचेज इनवॉइस नंबर LPUR01 एंड पार्टी नेम इज, और यहां से ट्रैकिंग नंबर अगेन आपने उठाना है। ट्रैकिंग नंबर रेफर्स टू पिछले किसी भी इनवॉइस या रेफरेंस नंबर के बेस पे आपने उन आइटम्स को ट्रैक करके अपने उस पर्टिकुलर प्रेजेंट इनवॉइस में शो करना है जो आपका पीछे स्क्रीन पे खुला है। तो प्रीवियस किसी भी इनवॉइस या चलान नंबर के बेस पे वो ट्रैक करता है उन गुड्स को, उन आइटम्स को, और आपके करंट इनवॉइस में शो कर देता है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब देखें आपका बिल्कुल करेक्ट अमाउंट, करेक्ट इन्वेंट्री आया है। 50 मीटर्स का ऑर्डर था, 50 मीटर्स रिसीव किए, 25 मीटर्स रिटर्न कर दिए। वो ट्रैकिंग नंबर पे जब हमने इनवॉइस उसका चलान नंबर उठाया तो इसने ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके कॉटन क्लॉथ की क्वांटिटी दिखा दी 25 मीटर्स। यहाँ पे यू विल एंटर द अमाउंट जो भी पार्टी से आपका रहा है, सपोज 300 पर मीटर है, और ये मैंने इसको सेव कर दिया, और ये हमारी हो गई परचेज रिटर्न की एंट्री यूजिंग रिजेक्शन इन वाउचर। अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जब आप टैली में कोई भी वाउचर एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, तो उनको साथ साथ रिपोर्ट्स में भी चेक करना सीखें। डिस्प्ले एक तो डे बुक में आएंगी, हमने अक्टूबर मंथ में की थी सारी परचेज ऑर्डर रिसिप्ट नोट सी। ये मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट टाइम, जो हमारी करंट डेट्स में एंट्री होती हैं तो डे बुक में क्या करता है, उन करंट डेट्स के मुताबिक उसको शो करता है। लास्ट एंट्री हमारी कौन सी रही थी, अक्टूबर मंथ की, तो इट विल ऑटोमेटिकली शो अक्टूबर मंथ्स एंट्री इन डे बुक। एंड व्हेन यू विल प्रेस ऑल्ट F2 देन यू कैन स्पेसिफाई डेट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे 1st of April 2019 टू 1st of October 2019। ठीक, हमारी सारी एंट्रीज अब तक आ गई। और अगर आपको इनको और डिटेल में देखना है, मैं वापस अक्टूबर वाले पे ही आ रही हूँ, आज वाली एंट्रीज में ऑल्ट F1 से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी गुड्स भी देखनी है साथ में, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे F12 के साथ। यहाँ पे नरेशन अगर आपने डाली है और आप देखना चाहते हो तो यस कर दो। बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हैं तो यस करेंगे, पोस्ट एंट्रीज तो इसमें यूज करते ही नहीं है। इन्वेंट्री डिटेल्स यस, अगर आपको स्टॉक भी देखना है, और आप इसको सेव कर देंगे। ठीक, अब आपकी सारी डिटेल्स इसमें शो कर रहा है। पार्टी का लेजर एक बार चेक करते हैं। डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर, और यहां से मैंने पार्टी का लेजर ओपन किया। ठीक, अब इसका 7500 हमने पे करना है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। स्टूडेंट्स आपकी कल हमने एक मीटिंग ली थी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आई थी कि जो टैली में हम टॉपिक करवा रहे हैं तो इसमें स्क्रीन स्विचिंग का नहीं पता लगता,
कि जैसे मैं एस्केप से वापस जा रही हूँ, ये भी स्क्रीन मूवमेंट कर रही है, पहले हम डिस्प्ले पे आए, गेटवे ऑफ टैली पे, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है हमने। अब ये वाली क्लास जब आप देखेंगे, आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैंने स्क्रीन स्विचिंग बहुत स्लो कर रही हूँ इसमें, और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कैसे करना है। ये एस्केप से वापस आए थे, और यहाँ से इसकी जो मूवमेंट है, ये अप और डाउन एरो से, ये बिल्कुल ध्यान से आप देखो, ये वीडियोस आप रिपीटेडली देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। आप क्या करते हो, वन टाइम देख के ना उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर देते हो, बीच में पॉज करते रहा करो, डिस्प्ले और यहाँ से डे बुक, ये एरो की से जाना है आपने अप डाउन। और यहाँ से वापस आने के लिए एस्केप किया था। अब स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन थी कि अब डे बुक से एकदम से स्विच करके मैम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, रिपोर्ट्स पे चले गए, तो उसको मैं अभी 2 या 3 क्लासेस में थोड़ा स्लो पेस पे लूंगी। और इसी तरह से आपकी कुछ दिनों के बाद एक क्लास वो भी रखी जाएगी जिसमें सिर्फ हम आपके सजेशंस, व्यूज, क्वेरीज लिया करेंगे। डिस्प्ले, देन डे बुक, यहाँ पे मैंने देखा, और यहाँ से वापस एस्केप से आया आप, ठीक, एस्केप, वापस एक स्टेप बैक, डिस्प्ले, अगेन एस्केप, अगेन गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया था, पार्टिकल लेजर चेक किया था, उसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक, एंटर, देन लेजर, एंटर। यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे जब आप लेजर पे आएंगे देन यू विल प्रेस एंटर, जहाँ पे आपको रुकना है। इन चीजों को ज्यादा डिटेल में बताने के लिए ही मैं आपको इसको थोड़ा स्लो पेस पे बता रही हूँ। यहाँ पे पार्टी का लेजर लिया, मैंने एल प्रेस किया, ये ललिता हमारे पास पार्टी का नाम चल रहा है, एंटर प्रेस किया, अब आप इसका बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं, सी। अब मुझे यहाँ से वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। आप एस्केप, एवन, अगेन, एस्केप, एस्केप, एस्केप करते जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब पार्टी की पेमेंट करनी है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, F5 से पेमेंट वाउचर आता है, F5 प्रेस किया, जबकि ऑलरेडी मेरा उस स्क्रीन पे क्या कर रहा है, पेमेंट वाउचर शो कर रहा है। और डेबिट क्या करना है आपने, यहाँ पे पार्टी का नाम ललिता शर्मा, अब इसमें क्या दिखा रहा है, 7500, इसकी आप पेमेंट कर देंगे, प्रेस एंटर, और अगेंस्ट रेफरेंस में आपने लिया बिल, पेंडिंग बिल, देन सेव, क्रेडिट, कैश या बैंक, तो मैंने बाय कैश इसकी पेमेंट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने क्या सीखा, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बेस पे हमारे अभी 2 टॉपिक और चलने थे, जिसमें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न 2 थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर तो पार्टी का अमाउंट, उसमें पार्टी का बिल बेसिकली अगर आपके पास आ चुका है तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और अगर बिल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स का अभी लेन देन हो रहा है, तो रिजेक्शन इन एंड आउट। हमने अभी सिर्फ आज क्या किया, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बेस पे रिजेक्शन इन यानी कि परचेज रिटर्न। अब इससे रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टॉपिक को आप करके देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपके डाउट्स हैं, तो आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी, या फिर आप यूट्यूब पे अगर देखते हैं तो भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।